Good morning, my student of standard 12, class 12, bricks, beads and bowls. Topic 4, tracking social differences. Burials or intermate is method of final disposition where a dead person or animal is placed into the ground, sometimes with objects. शवों को कैसे वे दफनाते थे? इस दफनाने की प्रक्रिया से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको उनके बारे में स्टडी करने का एक मौका मिलता। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें टू नो अबाउट ए पार्टिकुलर कल्चर आर्कियोलॉजिस्ट यूज्ड टू स्टडी बर्यल्स उनके पार्टिकुलर कल्चर के विषय में उनकी उनकी जो पार्टिकुलर कल्चर थी संस्कृति थी उसके विषय में उनको जानकारी इससे मिलती थी इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेसेस वेयर लाइंड विद ब्रिक्स कहीं कहीं ऐसा भी मिला खुदाई में कि वो बिल्कुल एक ब्रिक्स को लाइन से बिछाया गया था सिस्टम से और शवों के नीचे ईंटे से एक तरह से आप कह सकते हैं उसको कि चुनाई की गई थी ये कह सकते हैं एंड इन द मिड 1980s एन अरेंजमेंट सॉरी मिड 1980s एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल रिंग्स ए जैस्पर ब्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वाज फाउंड नियर द स्केल ऑफ मेल कॉपर मिरर आल्सो 1980s के आसपास जब खुदाई किया गया तो वहां पर कई सारे ऑर्नामेंट्स भी मिले बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली ऑर्नामेंट्स नहीं थे उसमें कुछ मनके थे तो कुछ शंख के रिंग थे कहीं पे कॉपर मिरर भी मिला यानी कि तांबे का दर्पण बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बर्निंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन में हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान दफनाने के दौरान लोगों को जो शवों को जो दफनाया जाता था उस दौरान जो है कोई कॉस्टली चीजों को नहीं रखा जाता था Another strategy to identify social differences to study artifacts. ये तो शवों को जो समझा गया कि कैसे दफनाया जाता था इसके अलावा दूसरा मेथड भी है दूसरा मेथड ये है कि उस दौरान की खुदाई के दौरान जो चीजें मिली उसको दो कैटेगरी में बांटा गया एक तो जो डेली बेसिस की चीजें थी और दूसरा जो प्रीशियस चीजें थी जो लग्जरियस चीजें थी अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q U E R N S इसका मतलब क्वेंस यानी कि चक्की आटा की चक्की आप कह सकते हैं इसके अलावा पॉटरीज नीडल्स एटसेट्रा लग्जरीज की अगर हम बात करें तो लग्जरीज का मतलब हो गया रेयर मेड फ्रॉम कॉस्टली ऑब्जेक्ट्स नॉन लोकल मटेरियल्स मतलब जो आमतौर पर लोकल मटेरियल से बने हुए नहीं होते थे कॉस्टली मटेरियल से बने होते थे एग्जाम्पल लिटिल पॉट्स ऑफ लिटिल पॉट्स एग्जाम्पल है जिसको कि ग्राउंड सैंड और सिलिका इन सबको मिक्स करके कलर करके बनाया जाता था इस तरह से भी दो कैटेगरीज किया गया चलिए इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमने समझा क्या कि इस टॉपिक में हमने समझा कि बीरियल्स को किस तरह से वो लोग डिस्पोजिस करते थे और उसके साथ किस तरह की चीजों को देते थे तो ओवरऑल स्टडी से ये निकला कि बहुत कॉस्टली चीजों को वो नहीं देते थे ये टॉपिक हमने समझा फिर हमने समझा कि वो किस तरह के सामानों को यूज करते थे एक तो डेली बेसिस की चीजों की अगर बात करें और कॉस्टली चीजों की बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं टॉपिक 5 फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं चहुंदारो ए टाइन सेटलमेंट एज कंपेयर टू द मोहनजोदारो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग सेल कटिंग मेटल वर्किंग सील मेकिंग एंड वेज मेकिंग आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो एक जगह है चहुंदारो ये मोहनजोदारो के कंपेयर में काफी छोटा था बट ये क्राफ्ट के एक सेंस से काफी फेमस रहा क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि मनके यानी कि माले के जो मोती होते थे बीट का मेकिंग होता था शंख यानी कि सेल की कटिंग होती थी मेटल वर्क पे काम होता था मुहरों का काम होता था और वजन मापने के लिए जो वेट होते थे उस पर भी काम होता था द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल स्टोन्स लाइक कार्नेरियन ऑफ ए ब्यूटीफुल रेड कलर जैस्पर क्रिस्टल क्वार्ट्ज एंड ये जो ये आप देख रहे हो STEATITE यानी कि स्टेटाइट इसको हिंदी में सेल खड़ी भी कहते हैं स्टेटाइट जैसे पत्थर इसके अलावा आप देख सकते हो टेराकोटा जो कि क्ले से बनते थे एंड बर्न क्ले देयर शेप्स वेयर न्यूमेरियस ये जो चीजें होती थी जो क्राफ्ट्स जो मिले उसके शेप्स जो होते थे वो न्यूमेरियस होते थे मतलब एक जैसे नहीं होते थे डिस्क शेप्ड होते थे सिलेंड्रिकल होते थे स्फेरिकल होते थे बैरल शेप्ड होते थे इस तरह से अलग अलग शेप्ड में होते थे तकनीक की अगर हम बात करें टेक्निक की बात करें तो टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ये डिपेंड करता था कि किस तरह के मटेरियल का उसमें इस्तेमाल हो रहा है ओके जैसे आपको अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया सेल खड़ी का सेल खड़ी जिसको कि अंग्रेजी में स्टेट जिसको अंग्रेजी में स्टेटाइट कहते हैं
Steatite या सेल खड़ी. Steatite is a very soft stone was easily worked. Steatite, a very soft stone was easily worked. Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. इसके powder से भी जो है mold करके बनाया जाता था, तो इससे भी कई चीजें बनती थी. वहीं अगर हम red color के carnelian से चीजों को बनाने की बात करें, the red color carnelian was obtained by the fine yellow straw material and beads at various stages of production. तो इससे भी कहीं कहीं बने हैं. And specialized drills have been found at Chahundaro, Lothal and more recently at Dholavira. Chahundaro में, Lothal में और Dholavira में खुदाई के दौरान specialized drills मिले. I think कि वो लोग बनाने के लिए drills का इस्तेमाल करते होंगे. Nageswar and Balakot, both coastal settlements, were a specialized center for making sail objects. दो coastal town भी है, Nageswar और Balakot. ये दोनों famous थे किस चीज के लिए? Sail से संबंधित objects, यानी कि संख से संबंधित चीजों का वहां निर्माण होता था, जैसे कि bangles का, यानी कि चूड़ी से संबंधित चीजें उस टाइप के जो कि संख से बन सकते थे. And finished products from Chahundaro and Lothal were taken to a large urban center. और जो Lothal और Chahundaro से जो finished products होते थे, वो बड़े पैमाने पर Mohenjo-daro और Harappa भी भेजे जाते थे. तो ये इस टॉपिक में हमने क्या समझा? इस टॉपिक में हमने उस क्राफ्ट और प्रोडक्शन के बारे में समझा कि किस तरह के क्राफ्ट प्रोडक्शन वो यूज करते थे, उसमें बनाने में तकनीक क्या थी और कौन कौन से प्लेस थे. तो इसमें से दो तीन प्लेस भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, इसे भी आपको नोट कर लेना है. एंड द लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, टॉपिक 6, द हरप्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज. SHEELL सेल मैंने बताया, ये संख, ये आमतौर पे वो नागेश्वर और बालाकोट से नहीं मिलता था. लैपिस लाजुली, ये ब्लू स्टोन, ये उनको सात्रघोई अफगानिस्तान, इसके अलावा कैर्नेलियन की बात करें तो भरूच गुजरात, और स्टेटाइट की बात करें तो साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से. खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान कॉपर के लिए फेमस था, जबकि साउथ इंडिया जो था वो गोल्ड के लिए. ये तो इंडिया की बात हुई, लेकिन ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी में ये भी बताया है कि सुदूर दुनिया से भी इनका जो है संपर्क बना रहा. आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट दैट कॉपर वाज प्रोबेबली बाउंड फ्रॉम ओमान. कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि शायद ओमान से ये कॉपर मंगाते होंगे. ओमान ए साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया वाज बाय सी. ऐसा माना जाता है कि ओमान, मेसोपोटामिया और बहरीन से समुद्री रास्ते से इनका संपर्क बना हुआ था. And Mesopotamian texts refer to Mehula as a land of seafarers. और मेसोपोटामिया में कई सारे अभिलेखों में ऐसा वर्णन भी है. तो बच्चों ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आप अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में उतार लीजिए. इससे रिलेटेड जो भी आप इसको टॉपिक वाइज, मैंने इसलिए बांट दिया है कि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो. थैंक यू वेरी मच. राइट.